बहुत दिनों के बाद गाइस, कैसे हो? आई होप सब बहुत बढ़िया हो, मस्त हो। लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आया इतना दिन तक। सर्दी लग गया था एक्चुअली। विश्वकर्मा पूजा घर पे था, तो उसके ठीक पहले दिन मैं डोमी को, स्पार्क को, मेरा जो एंटॉर्क है और मेरा जो कार है, सबको इतना वॉश किया, वो भी भीग के, इसलिए सर्दी लग गया था, तो इसलिए इतना दिन तक वीडियो नहीं आया। तो चलो, अब तबीयत ठीक है, मतलब उतना भी नहीं लेकिन ठीक है। तो 7 दिन तो हो गया है वीडियो नहीं आया। मेरे पास एक मैसेज बहुत आया, वो है, भैया आपका स्पार्क किधर है? भैया आपका स्पार्क किधर है? स्पार्क को आप क्यों वीडियो पे नहीं ला रहे हो? तो स्पार्क एक्चुअली घर पर ही है। मैं स्पार्क को लेके ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसको लेके मैं 2 ऑलरेडी राइड कर चुका हूँ। उसके वजह से उसका जो पहला सर्विसिंग का जो लैप है, मतलब किलोमीटर 1000 किलोमीटर, उसके ठीक करीब आ चुका है। मतलब 925 या 26 समथिंग उसका किलोमीटर हो चुका है। तो उसका सर्विसिंग होगा सिलीगुड़ी पे, तो सिलीगुड़ी जाने में लगता है 150 या 160 किलोमीटर, ठीक है? तो 1000 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगा सर्विसिंग देते देते मुझे। तो इसलिए मैं उसको लेके मैं राइड नहीं किया और दिखाया भी नहीं आप लोगों को। तो जाना था इस वीक, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से नहीं जा पाया। तो नेक्स्ट वीक मैं स्पार्क को लेके सर्विसिंग करवाऊंगा, KTM शोरूम जाऊंगा मैं। तो चलो एक बार दिखा ही देते हैं आप लोगों को स्पार्क। तो चलो नीचे चलो मेरे साथ। गैरेज पे आ गया और यहाँ पर है मेरा स्पार्क। जगह पूरा कॉम्पैक्ट हो चुका है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसका स्पार्क का एक्चुअली। तो ये देखिए, एक बार देखिए, 918 हो चुका है, ठीक है? मैं 25 बोला था तो उससे थोड़ा कम है। तो 150 किलोमीटर तो 160 किलोमीटर तो सिलीगुड़ी जाने पे ही लगेगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं चला रहा हूँ। एकदम से जब मैं सर्विसिंग पर जाऊँगा तब चलाऊँगा। तो पूरा चकाचक है, एक बार देख लो, दोनों के दोनों बाइक पूरा चकाचक है, ठीक है? तो इसलिए मुझे ठंड लग गया था। तो मुझे एक्चुअली डोमिनार के सामने जाना है। एक चीज़ आया है, ठीक है? अंदर पे येलो कलर है, एक्चुअली ये रैपिंग पेपर है। मैं सोचा कि डोमिनार का जो फ्रंट फोक है, USD फोक, तो उसके ऊपर थोड़ा रैपिंग किया जाए, तो इसलिए मैं इसको ऑर्डर दिया था अमेज़ोन पे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो एक बार देखते हैं अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर नहीं अच्छा लगे तो मैं नहीं दूंगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। इसलिए स्पार्क को थोड़ा इधर लाना पड़ेगा। तो स्पार्क को साइड कर दिया, अब देखते हैं, ठीक है? गैरेज पे थोड़ा लाइट कम है, थोड़ा नहीं बहुत ही। ओ पापा, एक लाइट लगाया है बड़ा सा। चलो, ओ हो, अब तो व्लॉगिंग में मज़ा आएगा भाई गैरेज पे। तो चलो देखते हैं एक बार ये पेपर कैसा लगता है अगर मैं लगाऊँ तो। देखो, मैं थोड़ा लगाया खुद, लेकिन ये ठीक से लगा नहीं। मैं बाबूदा के शॉप जाके लगा दूंगा, बाबूदा के हाथ से। एक्चुअली जिसका जो काम है, ये मेरा काम नहीं है, इसलिए ठीक से लगा नहीं, ठीक है? मुझे एक्चुअली एवरेज लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी नहीं लग रहा है। देखो, दूर से तो अच्छा लग रहा है, मतलब फोटो एकदम सॉलिड आएगा, ठीक है? तो यही है बात, इसको उठा भी सकते हो आप ऐसे 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 उठा सकते, ठीक है? तो अब देखो, क्या ये अच्छा लग रहा है या वो वाला? तो यही था, एक छोटा सा वीडियो किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना,
और वीडियो में इतना गैप नहीं आएगा। इसके बाद तबीयत खराब था इसलिए इतना गैप हुआ, तो इसके बाद शायद कोई राइडिंग वाला ही वीडियो आएगा अगर तबीयत फिर से नहीं बिगड़ा तो। ठीक है, एनीवे दैट्स इट गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।